नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 19 अगस्त। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,09,000 के पार। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार बीते पिछले 24 घंटे में 3,257 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जो इसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 1,09,875 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 97, अरवल में 34, औरंगाबाद में 136, बांका में 29, बेगूसराय में 164, भागलपुर में 185, भोजपुर में 66, बक्सर में 71, दरभंगा में 43, पूर्वी चंपारण में 200, गया में 64, गोपालगंज में 61, जमुई में 8, जहानाबाद में 46, कैमूर में 22, कटिहार में 96, खगड़िया में 31, किशनगंज में 49, लखीसराय में 50, मधेपुरा में 43, मधुबनी में 234, मुंगेर में 51, मुजफ्फरपुर में 135, नालंदा में 94, नवादा में 23, पटना में 368, पूर्णिया में 139, रोहतास में 67, सहरसा में 116, समस्तीपुर में 45, सारण में 153, शेखपुरा में 28, शिवहर में 22, सीतामढ़ी में 94, सिवान में 32, सुपौल में 35, वैशाली में 42, पश्चिम चंपारण में 81। वहीं कोविड 19 से ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 80,740 मरीज ठीक हो चुके हैं, वहीं 558 लोगों की जान जा चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नियोजित शिक्षकों को सरकार कर रही है खुश। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नियोजित शिक्षकों के पक्ष में लगातार सरकार कई अहम फैसले ले रही है, जिसके तहत नीतीश कुमार ने कोविड 19 का सामना करने के बावजूद नियोजित शिक्षकों के वेतन में 22% का इजाफा करने का ऐलान किया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया। इसके साथ ही वेतन वृद्धि का फैसला भी लिया गया है। आपको बता दें कि बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल मिलाकर 28 एजेंडों पर मुहर लगा दी गई है। इसके साथ ही सेवा शर्त की मंजूरी भी मिल गई है, जिसके बाद अब बिहार के किसी भी कोने में नियोजित शिक्षक ट्रांसफर करा सकेंगे। कश्मीर के बारामूला में जान गंवाने वाले सीआरपीएफ का शरीर पहुंचा पटना। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जान गंवाने वाले सीआरपीएफ के दोनों जवानों का शरीर बीते दिन पटना पहुंच चुका है, जहां सीआरपीएफ की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया है। वहीं जान गंवाने वाले जवानों को बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा, जयकुमार सिंह, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पप्पू यादव ने जवानों के शरीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी है। वहीं इस मौके पर पटना कमिश्नर, एसपी और सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी भी मौजूद दिखाई दिए। इतना ही नहीं, श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद नेता प्रतिपक्ष भी काफी भावुक नजर आए। बिहार में लेक्चरर के पदों पर निकाली गई रिक्तियां। बिहार में लेक्चरर के पद पर आवेदन की मांग की गई है। राज्य में लेक्चरर के पद पर आवेदन के लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके मुताबिक कुल 84 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू होने वाली है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर 7 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सभी अभ्यर्थियों को 11 सितंबर 2020 तक आवेदन शुल्क जमा कराना होगा। इस भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से कुल 84 पदों पर 69 केमिस्ट्री, 28 ह्यूमैनिटी और फिजिक्स के कुल 27 पद पर नियुक्तियां की जाएंगी। मगध विश्वविद्यालय बीएड सत्र 2018-20 के रिजल्ट की जल्द होगी घोषणा। मगध विश्वविद्यालय के बीएड सत्र 2018-20 के प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। हालांकि उससे पहले यूनिवर्सिटी ने सभी कॉलेज से शपथ पत्र की मांग की है, जिसमें यह बात साफ हो सके कि रिजल्ट आने में कुछ शर्त लगाई जाएंगी। मिली जानकारी के अनुसार सभी प्राइवेट बीएड कॉलेज और सरकारी कॉलेज को 20 अगस्त फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एक शपथ पत्र देने का आदेश कर दिया गया है, जिसके बाद परिणाम स्वरूप ऐसे छात्र जिन्होंने नालंदा खुला विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सफलता अर्जित की है, उन्हीं का दाखिला लिया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में एक बार फिर से बारिश की जताई संभावना। जहां बिहार में मॉनसून का असर कम होता दिखाई दे रहा था, वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार एक बार फिर से कई जिलों को लेकर मौसम विभाग ने सतर्कता जारी कर दी है, जिसके परिणाम स्वरूप पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर, नवादा समेत बिहार के और कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी में हवा का प्रेशर बढ़ने के कारण एक नया सिस्टम सक्रिय हो गया है, और इसी के कारण बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर से बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। सेवा शर्त मंजूरी पर शिक्षा मंत्री ने दी अपनी प्रतिक्रिया। बीते दिन नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। वहीं सरकार की तरफ से सेवा शर्त को मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने दावा किया है कि हमें शिक्षकों के लिए सबसे बेहतर सेवा शर्त को मंजूरी दी है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने आगे कहा कि हमने शिक्षकों के लिए हर संभव अच्छी और बेहतर सेवा शर्त देने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो वादे किए थे उनको पूरा किया है, और यही कारण है कि फिलहाल वित्तीय लाभ अभी शिक्षकों को नहीं दिया जा रहा है, मगर जल्द ही दिया जाने लगेगा। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हो रही देरी से जताई परेशानी।
सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति लगातार अपने भाई को इंसाफ दिलवाने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में की जा रही देरी से वो काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रही हैं। इसी के तहत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट आदेश को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट से शीघ्र निर्णय के लिए अनुरोध करते हुए हम सभी उम्मीद के साथ धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर मिनट देरी से दर्द और दिल टूट रहा है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे प्रभाकर शरण की। प्रभाकर शरण पहले भारतीय लैटिन अमेरिकन हैं जिन्होंने बॉलीवुड और लैटिन अमेरिकन फिल्म में भी काम किया है। लैटिन अमेरिकन फिल्म में काम करने वाले प्रभाकर शरण का जन्म बिहार के मोतिहारी जिले में 22 फरवरी 1980 को हुआ था। पेशे से वो एक अभिनेता, निर्देशक और प्रोड्यूसर है। उन्होंने पहले भारतीय लैटिन अमेरिकन मूवी साल 2017-18 में बनाई थी, हालांकि वो फिल्म कुछ खास पर्दे पर नहीं चली थी। इस फिल्म के बाद वो पहले भारतीय बन गए थे जिन्होंने स्पेनिश फीचर फिल्म में काम किया था। उन्हें अपने करियर में बेस्ट एक्टर के लिए भी कई सारे अवार्ड से नवाजा गया है। सचिवालय में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर लगाई गई रोक। कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण के बीच सचिवालय में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप अब सचिव संयुक्त या उससे ऊपर के अधिकारी की इजाजत के बगैर किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुभानी ने इसका आदेश जारी कर दिया है। जारी किए गए आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि अब सामान्य आगंतुकों को सचिवालय में प्रवेश के लिए संयुक्त सचिव या इससे ऊपर के अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पैक्सो को 1% ब्याज पर गोदाम देने का जारी किया आदेश। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन पैक्सो को 1% ब्याज पर गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन के लिए वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है, जिसके तहत उन्होंने बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के प्रशासनिक एवं अन्य भवनों के उद्घाटन के मौके पर वर्चुअल आयोजन को संबोधित करने के दौरान उक्त बातें कही है। इसके आगे उन्होंने कहा है कि भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1,00,000 करोड़ के कृषि आधारभूत संरचना कोष से बिहार के लिए 3,980 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें बिहार पैक्सो को मात्र 1% ब्याज पर गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और आदि के वित्तीय सहायता दी जाएगी। चुनाव की तैयारी को लेकर 3 दिन में दिशा निर्देश तैयार करने का आयोग ने दिया आदेश। चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने आगामी 3 दिनों में दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दे दिया है। चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन करवाकर बीते दिन कई सारे बड़े फैसले लिए हैं। साथ ही चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कोविड 19 के माहौल के बीच प्रचार रैली और लोगों के बीच जनप्रतिनिधि कैसे वोट मांगने जाएंगे, इन सब पर फैसला लिया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने जनसभा का आयोजन करने के लिए 3 दिनों में विस्तृत दिशा निर्देश तैयार करने का आदेश दिया है। नई दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक में गाइडलाइंस को मंजूरी दे दी गई है। सरकार की तरफ से लॉकडाउन की घोषणा से नाराज दिखे कारोबारी। बिहार में बेलगाम बढ़ रहे कोविड 19 के मामलों की वजह से सरकार ने 6 सितंबर तक फिर से पूरे बिहार में लॉकडाउन का आदेश दे दिया, जिसके बाद बेगूसराय, सिवान, लखीसराय और बक्सर के कारोबारी काफी ज्यादा नाराज नजर आए हैं। बसों का परिचालन बंद होने के कारण बस मालिक ने भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। जानकारों के अनुसार बेगूसराय के मुख्य बाजार में कारोबारियों ने दुकान खोलने की मांग को लेकर सरकार का विरोध किया है। इतना ही नहीं, सिवान के कंटेनमेंट जोन वार्ड 32 के दुकान को बंद कराए जाने पर भी कारोबारी काफी ज्यादा नाराज नजर आए हैं। सभी दुकानों को खोलने की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव ने बताया पलटू राम। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले लगातार बिहार के राजनीतिक गलियारे में बयानबाजी का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में बीते दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटू राम करार कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि नीतीश कुमार को खुद नहीं मालूम कि कहां कहां, कब, क्यों, कैसे और किस लिए पलटियां मारी हैं। लालू यादव ने बकायदा अपने ट्विटर हैंडल पर कार्टून शेयर किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस भाषण को उठाया जिसमें उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। विपक्ष की तरफ से कोविड 19 के इलाज में हो रही हेराफेरी पर सरकार ने दी सफाई। बिहार में अचानक से कोविड 19 जांच में आई बढ़ोतरी, साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी से विपक्षी दलों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था, जिसके तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा था कि कोविड 19 जांच में ढोलकी जारी है और साथ ही सरकार आंकड़ों के साथ हेराफेरी कर रही है, जिसके जवाब में अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान कहा है कि सरकार लगातार बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का प्रयास कर रही है। जांच की संख्या बढ़ने के बाद भी पॉजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। हर कोई बेफिक्र होकर जांच करवाने पहुंच रहा है और सबसे बड़ी वजह है कि लोग जानते हैं कि होम आइसोलेशन की सुविधा मिल रही है। ऐसे में संकोच नहीं कर रहे हैं। मखाने को पेटेंट करने की तैयारी में सरकार। बिहार में मखाना को पेटेंट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर सबौर कृषि विश्वविद्यालय में नया प्रशासनिक भवन उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान अपनी बात रखी है। उन्होंने विश्वविद्यालय के नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि बिहार में 5 कृषि विद्यालय खोले गए हैं। उन्होंने बताया कि सबौर कृषि विश्वविद्यालय अच्छा काम कर रहा है, हमें उम्मीद है कि आप इस विद्यालय को आगे भी अच्छा काम करते रहेगा। मखाना उत्पादन पर राज्य सरकार ने बहुत काम किया है, मखाना पर और काम करने की जरूरत को बताते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में मखाना को जल्द पेटेंट कराया जाएगा।
बीते दिन पिछले 24 घंटे में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों से 21,27,450 रुपए की गई वसूली। अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 1 अगस्त से लागू अनलॉक 3 के तहत लगातार मनमानी करने वालों पर सख्ती दिखाई जा रही है। इस दौरान 756 वाहन जब्त किए गए हैं और 21,27,450 रुपए की राशि वसूली गई है, जिसके तहत 1 अगस्त से लेकर अब तक 3,12,98,770 रुपए की वसूली की जा चुकी है। वहीं मास्क नहीं पहनने वालों से बीते 24 घंटे में 5,496 व्यक्तियों से 2,74,800 की राशि वसूली गई है। वहीं अब तक कुल मिलाकर 46,35,650 रुपए की वसूली की जा चुकी है। हैदर आजाद को मिला गौरव अवार्ड। राजद नेता हैदर आजाद को हिंदुस्तान गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली के स्कूल गेम्स एंड एक्टिविटी डेवलपमेंट फाउंडेशन ने उन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में सराहनीय काम करने के लिए यह पुरस्कार दिया है। मंगलवार को नरसंडा के फाउंडेशन के सचिव रतन मिश्रा ने हैदर आजाद को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र सौंपा है। पुरस्कार मिलने पर प्रोफेसर भुवनेश्वर रॉय, चंद्रेश्वर पासवान, अजय राव, विक्रांत यादव, मोहम्मद अली समेत कई लोगों ने हर्ष जताते हुए उन्हें बधाई दी है। 22-23 अगस्त को भाजपा कार्यसमिति की अहम बैठक का होगा आयोजन। भाजपा कार्यसमिति की अहम बैठक का आयोजन 22 और 23 अगस्त को करवाने पर विचार विमर्श हो रहा है। वर्चुअल माध्यम के तहत भाजपा को 2 दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत बिहार भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल होने वाले हैं। बैठक के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि प्रदेश कार्यसमिति की बैठक बिहार भाजपा के लिए काफी अहम है। आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में इस बैठक में चर्चा हो सकती है। पप्पू यादव ने अपने 15 साल के काम का श्वेत पत्र जारी करने की सरकार और विपक्ष को दी चुनौती। जा प्रमुख पप्पू यादव ने बीते दिन एक बार फिर से 15 साल की सरकार पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 15 साल से जनता को धोखा दे रहे हैं। अब कोविड-19 के नाम पर आम लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चिराग पासवान ने जब सरकार को आईना दिखाया तो जदयू के नेताओं ने उन पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया। वर्तमान सरकार जनता की जान की कोई परवाह नहीं कर रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने 15-15 साल के काम के बारे में एक श्वेत पत्र जारी करे, ताकि जनता को भी चले कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। इस बार बिहार की जनता बदलाव चाहती है। जदयू छोड़कर राजद में शामिल होने वाले श्याम रजक ने अशोक चौधरी के बयान पर दी अपनी प्रतिक्रिया। बिहार में दलित वोट को लेकर सियासत शुरू हो गई है। राजद में शामिल श्याम रजक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दलित विरोधी तक करार कर दिया है, जिसके जवाब में अशोक चौधरी ने बीते दिन कहा कि श्याम रजक मंदबुद्धि है, इसलिए 11 साल समझने में लग गया कि नीतीश दलित विरोधी है। जिसके जवाब में श्याम रजक ने कहा कि अशोक चौधरी भाटगिरी कर रहे हैं, ऐसे वो एक खानदानी आदमी है, हम तो धोबी है, इसलिए कुछ भी कह सकते हैं। गौर करें कि उन्होंने 2 लाख करोड़ के बजट की बात कही थी, लेकिन कितना और कहाँ खर्च हो रहा है यह भी देखना चाहिए। वृंदावन की गलियों में कृष्ण भक्ति के रंग में नजर आए तेज प्रताप। तेज प्रताप यादव अक्सर अपने अनोखे अंदाज के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं एक बार फिर से उनके अलग अंदाज में सुर्खियां बटोर रही हैं। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव बीते दिन तीर्थ नगरी वृंदावन की कुंज गलियों में भक्ति के रंग में नजर आए हैं। धोती, सफेद कुर्ता और पटुका, माथे पर तिलक लगाए तेज प्रताप यादव ने बाजार में भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति, भगवान के पोशाक और श्रृंगार का सामान भी खरीदा था। इस दौरान मीडिया से वो नजर बचाते भी देखे गए। आपको बता दें तेज प्रताप यादव इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन की गौशाला और रंगजी मंदिर बाजार और लोई बाजार में श्रद्धालुओं की तरह घूमते नजर आए थे। लोजपा ने जदयू मंत्री विजेंद्र यादव से मांगा इस्तीफा। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले लगातार इस्तीफे का दौर जारी है। इसी क्रम में अब लोजपा ने जदयू मंत्री विजेंद्र यादव से इस्तीफे की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार लोजपा ने इस बार नीतीश कुमार के मंत्री को निशाने पर लिया है। लोजपा ने कर्पूरी ठाकुर के जरिए मंत्री विजेंद्र यादव से इस्तीफे की मांग की है। लोजपा के संसदीय बोर्ड के सदस्य सह प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार के मंत्री ने कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया है। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर के संघर्ष को मंत्री ने नाकाफी बताया है और उसका अपमान किया है। लोजपा की मांग है कि कर्पूरी ठाकुर का अपमान करने वाले मंत्री तुरंत पद से इस्तीफा दे। रोहित शर्मा को खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित करने की हुई सिफारिश। भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा को जल्द ही खेल रत्न से नवाजा जा सकता है। रोहित शर्मा के नाम की सिफारिश हर साल खेल में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए की गई है। इसके साथ ही स्पोर्ट के लिए बनाए गए चयन समिति ने रोहित शर्मा के नाम पर सिफारिश खेल सम्मान के लिए किया है। खेल रत्न भारत के किसी नागरिक को दी जाती है जो इसमें सर्वोच्च खेल सम्मान है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स कमेटी ने क्रिकेटर रोहित शर्मा के नाम का सुझाव दिया है। रिया चक्रवर्ती ने विदेश दौरे के दौरान एक बिजनेसमैन से की थी मुलाकात। विदेश दौरे के बाद सुशांत सिंह राजपूत के मामले में संदिग्ध चल रही रिया चक्रवर्ती ने एक बिजनेसमैन से मुलाकात की थी। इस बात के सामने आने के बाद ईडी और अन्य जांच एजेंसियों ने तफ्तीश शुरू कर दी है। रिया और उस बिजनेसमैन के बीच में क्या बात हुई थी, इस पहलू पर फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। जिसके बाद सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या रिया बिजनेस में रुपए इन्वेस्ट करना चाहती थी, अगर ऐसा है तो रुपए किसके थे। हालांकि ईडी सहित अन्य जांच एजेंसियों को पड़ताल के बाद इस बात से पर्दा उठ जाएगा। रिया ने अपने मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से कई मैसेजेस को भी डिलीट किए हैं। सूत्रों की माने तो जांच एजेंसी
एजेंसियां उन सभी मैसेज को रिकवर करने की कोशिश कर रही है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है महेंद्र मिश्रा, सनौर रहमान, चंद्रशेखर सिंह, रूपा कुमारी, शशि भूषण, अमन कुमार मिश्रा, राजकुमार सिंह, दीपक कुमार यादव, गौतम पंडित, जितेंद्र यादव, नकुल कुमार, मुकेश राम, रवि कुमार यादव, राहुल कुमार, करण। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बिहार सरकार की तरफ से लगाए गए लॉकडाउन में आपको कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।